हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर इकोनॉमिक स्कूल में। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये आप ही के लिए है क्योंकि इसके अंदर 12th का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो कीप वॉचिंग इकोनॉमिक स्कूल, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा और ऐसा आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर 12th के जो सिलेबस है उसके अंदर आप दो टाइप्स इसके बताए गए हैं। टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो प्रकार से होता है। कैसे? दो प्रकार में से जो फर्स्ट टाइप होता है इसका, वो होता है यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा होता है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है ना। ये दोनों जो है वो आते हैं एक प्रकार से, जो मेजरमेंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो होता है यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है, टू टाइप होता है। एक तो होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए। कार्डिनल अप्रोच जो होता है, जो यूटिलिटी एनालिसिस होता है उसके अंदर, तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि यूनिट के रूप में, है ना, किसके रूप में, यूनिट के अकॉर्डिंग जो है वो मेजरमेंट किया जाता है यूटिलिटी का। किसके अकॉर्डिंग? यूनिट के अकॉर्डिंग। यानी जैसे आप किसी भी कमोडिटी को परचेज करने गए मार्केट में, आपने उसके 15 रुपीज दिए, तो 15 जो यूनिट है वो एक तरीके से उसकी यूटिलिटी आ गई। तो यहाँ पर मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है यूटिलिटी का, वो कहलाता है कार्डिनल अप्रोच। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? इसके अंदर जो है वो रैंक दी जाती है। जैसे किसी भी क्लास में कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, लेकिन फर्स्ट जो भी आए उनको फर्स्ट में भी, फर्स्ट डिवीजन जो आया उसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, थर्ड रैंक किसकी है, ऐसे रैंक दी जाती है, वो कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। इसके अंदर जो है यूनिट नहीं बताई जाती है, इसमें यूनिट होती है, इसमें मेजरमेंट होता है पूरा और इसमें मेजरमेंट पूरा नहीं होता है। केवल इतना कहा जाता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, या ये इससे अच्छा है, ये इससे कम अच्छा है, ये इससे और भी कम अच्छा है, वो कहलाता है ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं, जो पहला जो एनालिसिस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ यूटिलिटी होती क्या है, है ना। देखो दोस्तों, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। उपयोगिता यानी आपके लिए किस प्रकार से कोई वस्तु या सेवा, क्योंकि यूटिलिटी आपको किससे मिलेगी, या तो कमोडिटी से मिलेगी या फिर सर्विसेज से मिलेगी, ठीक है ना। तो कोई भी कमोडिटी या सर्विस जिससे आपको यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है ना, तो वो यूटिलिटी होती क्या है आखिर? जैसे ये बुक है या ये कोई भी, ये जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे लिए यूटिलाइज है, क्यों? क्योंकि मैं इससे यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ। ये बोर्ड मेरे लिए यूटिलाइज है, क्यों? क्योंकि ये मेरे को लिखने के लिए रिसोर्स प्रदान करता है, ठीक है ना। ये डस्टर मेरे लिए यूटिलाइज है क्योंकि इससे मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। तो ये कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस हमारे लिए किसी ना किसी प्रकार से यूटिलाइज होती है, ठीक है ना। तो अब ये यूटिलिटी होती क्या है? तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी या सर्विस जिसमें आपको सेटिस्फाइंग करने की कैपेसिटी हो, आपको संतुष्ट करने की कैपेसिटी हो, वो कहलाती है यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस में आपको सेटिस्फाइंग करने की कैपेसिटी हो, उसको कहते हैं हम यूटिलिटी। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने लिख रखा है TU। जैसे यहाँ पे यूटिलिटी का मैंने अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू वन सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, यानी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटी, वो कहलाती है हमारी यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड है यहाँ पे TU, यानी इसको बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वस्तु में प्रयोग में ले रहा हूँ, जैसे एक्स वस्तु मैंने प्रयोग में, चलो वस्तु एक्स वस्तु छोड़ो, मैं जैसे यहाँ पर रोटी प्रयोग में ले रहा हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है ना, बहुत भूखा हूँ मैं, बहुत भूखा हूँ मैं और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो रोटी जब मैं खाऊंगा, तो पहली रोटी मैंने खाई तो पहली रोटी से मान लो मुझे यूटिलिटी मिली 10, सेकंड रोटी खाई उससे मुझे यूटिलिटी मिली 5, थर्ड रोटी मैंने खाई उससे मुझे यूटिलिटी मिली 3, ठीक है ना। ये यूटिलिटी आप समझ गए, 5 से कितनी मिली 10, ये यूटिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? यूटिलिटी, ठीक है ना। इससे क्या मिली 5, ये भी यूटिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पर समझिए, अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी यानी मैंने 3 रोटी खाई, अगर मेरा पेट भर गया मैं 3 से ज्यादा नहीं खा सकता, ठीक है ना। तो इन 3 रोटी से जो यूनिट मैंने खाई है रोटी की, उससे मुझे टोटल यूटिलिटी क्या मिल गई? 10 और 5 15, 15 और 3 18, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या कहलाएगी?
टोटल यूटिलिटी यानी सम ऑफ जो भी यूटिलिटी हमें मिल रही है पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो हम है सम कर लेंगे यानी योग कर लेंगे तो वो कहलाता है हमारा टोटल यूटिलिटी। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है इट इज द सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। ठीक है तो समझ गए आप यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। उसके बाद है सेकंड चीज MU मार्जिनल यूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ TU और MU ये अगर आपने अच्छे से समझ गया तो आगे इकोनॉमिक्स के अंदर आपके लिए जो कॉस्ट है उसके अंदर टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आएगी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन आएगा। ठीक है ना इस प्रकार से और भी एक दो चीजें और आएगी तो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी वहां पर भी इसी तरीके से होगा। ठीक है ना तो अब चलते हैं अपन MU मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है इसको एडिशनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं एडिशनल यूटिलिटी। कोई भी जब हम एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करते हैं यूज में लेते हैं तो उससे जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए आप जैसे फर्स्ट से यूटिलिटी मिली 10 ठीक है ना सेकंड से यूटिलिटी कितनी मिली 5 ठीक है ना थर्ड से 3 यानी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गई थी 10 हो गई थी 10 और 5 यहाँ 15 हो गई थी और 15 और 3 यहाँ 18 हो गई थी। ये टोटल यूटिलिटी हुई हमारी। ठीक है ना अब हमें क्या चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के हम क्या करेंगे फर्स्ट से जब सेकंड यानी हमने जब एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग किया सेकंड यूनिट पे हम आए तो सेकंड यूनिट का प्रयोग करने से क्या हुआ हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया 10 से 15 हो गई यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई 5 हो गई। फिर थर्ड का हमने यूज किया तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया 15 से 18 यानी 3 का चेंज आया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 3 होगी। ठीक है ना तो इट इज एडिशनल यूटिलिटी व्हेन ए यूनिट मोर ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर यानी कंज्यूमर के द्वारा जब एक्स्ट्रा या मोर यूटिलिटी सॉरी कमोडिटी प्रयोग में ली जाती है तो यूटिलिटी में जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में वो कहलाती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है तो यहाँ पर यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो अभी हमारा आया नहीं है वो अभी आपको अभी समझाता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना जिसको बोलते हैं हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है ना ये नियम जो है ये अधिकतर 2 या 1 नंबर में आपसे अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है तो ये नियम होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों के जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना मार्जिनल यूटिलिटी जब हम कंटिन्यू यूज में लेते हैं किसी भी कमोडिटी को तो कमोडिटी को जब हम कंटिन्यू यूज में लेते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी हमें जो मिलती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे घटने लग जाती है। क्या होने लग जाती है घटने यानी डिमिनिश होने लग जाती है। तो वही चीज जब डिमिनिश होती है जब यूटिलिटी तो वो कहलाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल डिमिनिशिंग। ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे आप किसी भी मिठाई की दुकान पे गए वहां पर आपने कोई भी 1 टाइप ऑफ मिठाई ली वहां पे आपने फर्स्ट मिठाई का पीस खाया ठीक है उससे आपको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिली। सेकंड खाया मिली लेकिन उससे कम मिलेगी क्योंकि आप फर्स्ट खा चुके हो फर्स्ट में आपकी बहुत इच्छा हो रही थी। थर्ड खाया मिलेगी लेकिन और भी कम मिलेगी ठीक है ना और जब आप एकदम से वो हो गए कि भाई अब मैंने खा लिया उसके बाद भी आप खाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको वोमिटिंग वगैरह हो जाए यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक तरीके से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके बाद भी अगर आप खाते हैं तो आपकी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है ना तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है तो वो जो स्थिति है वो कहलाती है हमारी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्यों होता है क्योंकि हमारी जो नीड होती है हमारी जो आवश्यकता होती है हमारी जो वांट्स होती है वो उसकी जो तीव्रता होती है यानी एक बार तो हम चाहते हैं कि हमें ये मिले ही मिले वो तीव्रता क्या होती है धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है तो वो डिमिनिश होती है तो जो हमें जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो भी डिमिनिश होती है उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी व्हेन MU डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी मस्ट डिमिनिश एज मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एट पॉइंट ऑफ द टाइम यानी मस्ट होती ही है डिमिनिश यानी घटती ही है जब मोर यूनिट का हम प्रयोग करते हैं तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना
ये आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। आप चाहो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रोटी का ही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। फर्स्ट रोटी खाई, उससे मान लो हमें यहाँ पे एम यू मिली, मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट रोटी से मान लो हमें 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड रोटी से मान लो हमें 8 मिली, थर्ड से मान लो हमें 6 मिली, फोर्थ से मान लो हमें 4 मिली, फिफ्थ से मान लो हमें 2 मिली, सिक्स से मान लो हमें 0, और इसके बाद भी अगर हम लेते हैं तो हो सकता है हम माइनस में चले जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दोनों ही कर सकते हो, टी यू भी आप कर सकते हो, 10 और 8, 18 टी यू, 18 और 6, 24, 24 और 4, 28 और 2, 30, 30 और 0, 30, 30 और माइनस 2 यानी 28, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, रोटी जब आप 6 खा लेते हो या 6 इकाइयों का यूनिट का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हो, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सेटिस्फाइंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हो। क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप रोटी को यूज में ले रहे हो कंटिन्यू एक साथ, यहाँ पर एक चीज याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी टाइम अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुबह खा लिया, दिन में खा लिया, शाम को खा लिया, तो फिर आपकी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटेगी नहीं। ये कब घटेगी, जब आप कंटिन्यू प्रयोग में लेते हो, ठीक है ना। तो ये घट रही है, तो इसको जब आप वक्र में डाल देंगे, कर्व बना लेंगे इसका, एक तरफ लेंगे आप एक्स अक्ष पे रोटी और वाई अक्ष पे एमयू, कर्व बना देंगे, वो कहलाएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ओके, आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखे, कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे डिस्क्रिप्शन में, वहां आप मेरे को बता सकते हो। सेकंड चीज जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो आपने पढ़ा, इसी इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोसेन का फर्स्ट लॉ। इसी तरीके से गोसेन का सेकंड लॉ भी है, उसको बोलते हैं इक्वी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ इक्वी लगा दो आप यहाँ पर, है ना, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में सम सीमांत उपयोगिता हाथ नियम, ठीक है ना। वहां से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं। क्या करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो प्रकार से होता है, वन कमोडिटी केस जब कमोडिटी वन हो, और टू और मोर कमोडिटी केस, यानी जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो रूल है, यानी इक्वी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो रूल जो है उसमें टू कंडीशन होती है, एक तो वन कमोडिटी केस और दूसरा टू और मोर कमोडिटी केस। यानी जब वन कमोडिटी हो तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और जब टू और मोर कमोडिटी हो तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जब वन कमोडिटी होता है तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर हो एम यू एम के। ये एम यू एम होता है मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो पैसा हम दे रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स कीमत एक्स कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है ना। ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो ये वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, या इसी आप इसको यू भी कर सकते हो, बराबर एम यू एम या बराबर पी एक्स, यानी एक्स वस्तु की जो कीमत होती है, जो प्राइस होती है, वो इसके बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप, जैसे रोटी ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और एम यू यहाँ पर वही ले रहा हूँ मैं, 10 8 6 4 2 0, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर जो प्राइस है, जो मनी दे रहे हैं हम रोटी के लिए, वो दे रहे हैं हम यहाँ पे मान लो 6 रुपीज, कितनी दे रहे हैं 6 रुपीज। तो फर्स्ट रोटी के लिए भी 6, इसके 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 लिए भी 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, यानी यहाँ पर एम यू 6 और प्राइस जो है वो भी 6, यानी तीसरी इकाई पे ये 6 और ये भी 6, यानी दोनों बराबर है, ठीक है ना। यानी पी एक्स एम यू एम और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स आप जब करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, मनी की सीमांत उपयोगिता है, वो क्या है, 111 है। जैसे एम यू एक्स क्या है, यहाँ पर 6 है ना, और पी एक्स क्या है, वो भी 6 है, 6 अपॉन 6 बराबर 1, ठीक है। एम यू एम यानी 6
और प्रयोग किया तो भी सिक्स, यानी सिक्स और सिक्स यानी वन, ठीक है ना। तो एम यू एम और ये बराबर हुआ, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा वन कमोडिटी केस के अंदर, ठीक है ना। अब जब कमोडिटी केस टू और मोर हो, यानी दो या दो से अधिक कमोडिटी हो, तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर देखिए आप टू कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, यहाँ पे हम टू कमोडिटी ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टू कमोडिटी से ही हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। और एम यू वाई अपॉन पी वाई बराबर एम यू एम, ठीक है ना, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई बराबर एम यू एम, यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन एक्स वस्तु की कीमत बराबर हो किसके, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की कीमत के, और वो बराबर हो किसके, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है। और सेकंड कंडीशन होती है टू और मोर कमोडिटी के अंदर, वो ये होती है कि जितनी भी आपकी इनकम हो वो बराबर हो किसके, आपके एक्सपेंडिचर के, यानी जो आप खर्च कर रहे हो। जैसे कमोडिटी पे आप कितना खर्च कर रहे हो, टू एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है ना, एक्स वस्तु पे जो खर्च कर रहे हो वो इससे निकलेगा, प्लस y वस्तु पे जो खर्च कर दो वो इससे निकलेगा, क्यू वाई इंटू पी वाई, ये बराबर होना चाहिए किसके, इनकम के, ठीक है ना। इनकम और ये हमारा जो एक्सपेंडिचर जो हमने परचेज किया वो बराबर हो जाए, ठीक है। और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये भी बराबर हो, ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो टू और मोर कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। वन कमोडिटी केस तो मैंने आपको बता ही दिया, वन कमोडिटी केस में एम यू बराबर होना चाहिए किसके, कीमत के, एम यू एक्स बराबर पी एक्स, अगर वो वाला आप नहीं भी देखे तो ये सिंपल सा वन कमोडिटी केस में, और टू और मोर कमोडिटी केस में फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसके अंदर कैसे होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।